इतने धीरे धीरे
नारे मनुष्य होती है। कोई चीज नहीं भी आता है ना, फुल कॉन्फिडेंस के साथ हो कि सामने वाला सोचने लग जाएगा लेकिन मैं तो गलत हूँ। चार गतियाँ जोर से बोलेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे। अच्छा वापस मेरे साथ, नरक तिरियन मनुष्य देव। आप देव को सबसे पहले ले, नरक तिरियन मनुष्य देव, ठीक है। चार गतियाँ, मेरा प्रश्न है एक श्रावक की गति कौन सी है? मरने के बाद सब ठीक से कौन कहा जाए? एक श्रावक मरने के बाद कहा जाएगा? मनुष्य गति। देखिए अब यहाँ ध्यान दिया, श्रावक की गति है देव गति, सही माने में श्रावक है। मनुष्य में कौन जाएगा जो विराजक हो जाएगा? साधु की और श्रावक की गति है मरने के बाद देव गति। और यदि कोई मनुष्य बन रहा है तो उसका मतलब कहीं ना कहीं व्रतों में उसने क्या की है? विराधना। बोलते ना गति बिगड़ गई। देखिए चार गतियां, अब कोई व्यंतर में चला जाता है, आप लोग बोलते ना पीतर, पीतर जी पीतर योनि में भी चले जाते हैं, है तो देव गति। एक साधु भी बन करके व्यंतर गति में जा सकता है कब? यदि व्रतों की उसने विराधना की है। आप एक छोटी सी बात से ही आप आराधना विराधन की बात में बताऊं, एक रोने की आवाज आती थी, एक साधु का ग्रुप था, रोने की आवाज आती थी, तो पूछा भाई कौन, तो बताया उन्हीं साधुओं के ग्रुप में एक साध्वी का स्वर्गवास हो गया। तो बताया मैं आऊं भाई, रोती नहीं हूँ, क्या हुआ? बोली मेरी गति बिगड़ गई और गति मैं व्यंतर बन गई। उसने क्या कहा? मैं व्यंतर बन गई। और व्यंतर बनने का रीजन क्या दिया? उसने कहा देखिए एक साधु का नियम है, जो भी नियम आप जैसे भगवान ने जो बात कही वो सारा क्या है? वो नियम। जैसे मैंने आपको पिछली बार एक बात कही थी, उपवास में कोई व्यक्ति एक चावल के दाने जितना खा लिया, एकासन में भरपेट खाया है, कौन सा श्रेष्ठ है? उपवास में खाने वाला चावल जितना या चार रोटी जिसने खाई है एकासन में, किसको श्रेष्ठ मानेंगे? क्यों? चार रोटी खाई है, नियम का भंग किया। हाँ ये नियम किसने बनाया? ये बात भगवान ने, ठीक है। तो हर चीज का अब आचार्य भी तीर्थंकरों के प्रतिनिधि होते हैं, कुछ नियम वो बनाते हैं। दो प्रकार का नियम होता है, एक शास्त्रीय नियम होता है, शास्त्रों के आधार पे चलते हैं, और एक सांप्रदायिक नियम होता है, जो संप्रदाय जो आचार्य जो भी प्रोपणा करते हैं। और उन नियमों को यदि पालन न करें तो क्या हो गया? वो विराधक। उस साध्वी ने कहा कि भाई जैसे मान लो कपड़े वगैरह में जैसे कोई स्पॉट हो गया, दाग लग गया, एक नियम है कि जल्दी से धोते नहीं, यदि कोई लग गया तो आज्ञा लेके धोना, जो भी बड़े हैं उनसे आज्ञा लेके धोना। उस साध्वी ने कहा कि मैं बिना आज्ञा सिर्फ धोती थी कपड़े और उसके कारण मैं विराधक बन गई। देखिए कितनी छोटी सी बात, बात कोई बहुत बड़ी नहीं है। तो जो भी चीज है भगवान ने जो चीज जैसा कहा हम क्या करें? उसको अक्षरशः वैसा पालन करने का प्रयास करें। और सबसे बड़ा इनको कोई देखने वाला है तो कौन है? खुद ही देख रहे हैं, दूसरा कोई देखे या ना देखे हम खुद ही देख रहे हैं। खुद को पता है कि मैं सामायिक कितनी शुद्ध सामायिक की, जो भी नियम दिया कितना हमने शुद्ध किया। तो हम खुद ही अपने आप को सर्टिफिकेट देते रहे, अपने आप को देखते रहे, तो जो भी नियम लेते हैं प्रयास को कि हम उसको जैसा जिस ढंग से लेते हैं वैसा ही पालन करें। और भूलने की आदत है तो लिखने की आदत बना, उसको देखो हाँ मुझे एक साल का अमुक चीज का त्याग है, वापस ध्यान दो। त्याग करना बड़ी बात नहीं, बड़ी बात क्या है?
सोचने दो कि दुनिया को सर्टिफिकेट दिखाते दिखाते तो सारा समय हमने यूं ही वेस्ट कर दिया। अब खुद को हम खुद सर्टिफिकेट देना सीख, खुद को हम देखना सीख, तो हम कैसे हैं, हमको क्या करना है, और आध्यात्मिक दृष्टि से एक लक्ष्य बना ले, मुझे विराधक नहीं बनना। जो भी हम नियम दे रहे हैं, कैसे हम आराधक पद को प्राप्त करें, आराधक पद अपने आप में मोक्ष को क्या कहेंगे हम, आराधक। वही व्यक्ति आराधक बन सकता है जो नियमों का सही ढंग से पालन करता है। तो बाई चांस देखिए फिर ध्यान दें, भूल हो गई तो क्या करें, पश्चाताप करें, प्रायश्चित करें। किसी ने देखा तो नहीं कैसे मैं इसका प्रायश्चित करूं। आपको पता है मृगावती चंदन बारा इन लोगों को केवल ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान का कारण क्या बना, मात्र पश्चाताप। देखिए मृगावती के मन में विकल्प आया, वो मेरे से भूल हो गई इसलिए कि मेरे अग्रणी को कहना पड़ रहा है, बस इसी पश्चाताप में ऐसी डूब गई केवल ज्ञान। तो आत्मशुद्धि का बहुत सुंदर साधन है प्रायश्चित करना। किसी भी चीज को आप सांसारिक जो भी चीज कर रहे हैं करना सब चीज पड़ेगा, लेकिन करें कैसे, अनुताप के साथ। आप कुछ भी कर रहे हैं, चल भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, सब चीज क्या करें, श्रावक के तीन मनोरथ माने गए हैं। कौन कौन सा है, कब आएगा वह धन्य दिवस जब अपरिग्रही बनूंगा मैं। देखिए श्रावक के मनोरथ के साधु जी ने, पहला है वह दिन धन्य होगा जिस दिन मैं अपरिग्रही बनूंगा, कब आएगा वह धन्य दिवस गृह त्याग मुनि व्रत लूंगा मैं, वो दिन धन्य होगा जिस दिन मैं मुनि व्रत लूंगा, कब आएगा वह धन्य दिवस अनशन आमरण करूंगा मैं, वह दिन धन्य होगा जिस दिन मैं संधारा करूंगा। मनोरथ का मतलब भगवान ने कहा एक श्रावक को प्रतिदिन इसका चिंतन करना चाहिए। कौन कौन से तीन मनोरथ हुए, पहला अपरिग्रही। अब मुझे ये बताइए कभी विकल्प आता है अपरिग्रही बनने का, आपको लगता है जितना कमा सके मन में विचार तो आता है लेकिन उसका पुरुषार्थ नहीं। और दूसरी बात देखिए, एक अंतराय कर्म बड़ा जोर से बंधा हुआ है। पिछली बार मैंने एक बात कही थी, जो भी 60 प्लस हो गए ठीक है या 70 प्लस हो गए, उनको आप लाइफ को पूरी लाइफ की दिशा को डायरेक्शन को पूरी बदल देनी चाहिए। क्या करना चाहिए, अब तक संसार में आप लोग 80% इन्वॉल्व रहे, आत्मा के लिए 20% आपने दिया, अब क्या करें उसको उल्टा करो। आत्मा के लिए कितना देना है 80, और सांसारिक चीजों के लिए 20, बस इतना ही करना। सिर्फ वो 80-20 को क्या करना है, तो जीव अपने लिए जो भी करे, आप ये सोचो अभी तक आप लोग ये भी सांसारिक में कोई पूजा हमारा क्या करना चाहिए, मैं बोलती हूँ निकम्मी मत रहो। आप 24 घंटा धर्म ध्यान नहीं कर सकते ठीक है, आप पार्ट टाइम जॉब करो, पार्ट टाइम वर्क करो, जो भी करो, निकम्मे मत रहो, खाली दिमाग शैतान का घर, लेकिन 24 आवर्स उसमें अपने आप को एंगेज मत रखो, जहाँ आप अपने को एक क्षण भी देख न सको, अपने लिए एक क्षण भी कोई विकल्प ना आए। तो एक छोटी सी मैं घटना के साथ आगे बात करना चाहूंगी। एक बार एक महिला ने अपने पति से कहा, भाई इतनी गरीबी है, खाने के लिए रोटी नहीं और कमाई का कोई साधन नहीं, तो एक काम करो, हम अपने नगरी का जो राजा है उसका एक नियम, सबसे पहले उठने के साथ जिसका मुंह देखता है मुंह मांगा इनाम देता है। एक बोलते हैं ना, यदि दिन खराब गया तो क्या बोलते हैं आप लोग, किसका मुंह देखा, और अच्छा गया तो आज तो बड़ा अच्छा हुआ, बता दे किसका मुंह, वो तो जल्दी से नहीं बोलेंगे अच्छा हुआ खराब हुआ। इसलिए देखिए उठे आना ही टॉपिक तो नहीं है, लेकिन उठने के साथ क्या करें, मैं सोचती हूँ कैंप में थोड़ी सी चर्चा करेंगे इसके बाद। तो
दिया। पत्नी ने कहा जाओ राजा जी इतने उदार हैं, फायदा उठाओ, ठीक है मेरे से पहले कोई चला न जाए। बेचारा उठा, दो बजे निकलने लगा। अब रास्ते में जो रात से वक्त पकड़ लिए, देखिए रात को सज्जन लोग कभी 10 बजे के बाद रात को बाहर नहीं जाते, ये ध्यान देने की बात है। घर पे कभी भी आओ तो कब तक आ जाना चाहिए, 10 बजे से पहले पहले आए। खुद के लिए भी प्रिंसिपल रखो और बच्चों को भी ऐसा उनके मस्तिष्क को युष्ट करना चाहिए, प्रारंभ से संस्कारों से ऐसे बांध के रखें कि मजा आए, मतलब सेल्फ डिसिप्लिन अपने आप आ जाए। अब तो 2 बजे गया, पकड़ ली उसको, कैद कर लिया गया। सुबह जब राजा के सामने उपस्थित किया, अब चेहरे से उसकी मासूमियत भी झलक रही थी, सही सही बात उसने बता दी। अब राजा को दया भी आई, ठीक है जाओ, खजाने से जितना चाहो, सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक जितना चाहो धन ले जा सकते। 12 घंटा मिल जाए पूरा गांव का लोग सफाया कर दें, 12 मिनट में ही लोग सफाया कर देते, तो बड़ा खुश हो गया। गया खजांची को, जैसे ही पता चला कि वे ऐसे ऐसे राजा ने आदेश दिया है, क्या सोचा, साठी बुद्धि नाठी, एक उम्र के बाद ये बुद्धि सठिया जाती, कोई बात नहीं, राजा की बुद्धि तो सठिया है, खजांची तो मैं हूँ, इसकी सुरक्षा करना धन की मेरा कर्तव्य है। सोचा सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, आदेश का पालन भी हो जाए और धन की सुरक्षा भी हो जाए, क्या करें, 12 घंटा उसको एडिक रखना है। आप जस्ट इमेजिन करें कि आप खजांची, क्या करेंगे आप, 12 घंटा सामने वाले को किसी चीज में बिजी रखना है, तो क्या करेंगे आप, बोलेंगे कौन दिमाग लगाने जाए, कौन खजांची बनने जाए, क्या करेंगे, जोश जोश मेरे कान तक आवाज है, वेल्थ को गिनने में लगा दो उसको, क्या गिनने में, पैसे गिनने में लगा दो, गुड, तो हमारे देव भाई 12 घंटा पैसा गिन सकते हैं। बस खाने में लगा दो, कौन बोले सुवर्ण है, तो ये 12 घंटा खा सकते। अब देखिए, चलो आप लोग सोचते रहो, ये सेकेंड ऑप्शन में बोलिएगा। अब उसने सोचा कुछ तो करना है, पूरे 7ों कमरों को, जैसे 7 कमरे पार करके 8वें में खजाना था, 7ों कमरों को उसने इतना सुंदर सजा के, अच्छे अच्छे खिलौने, मोती खिलौने, आकर्षक मनमोहक खिलौने, बच्चा खिलौनों को देख करके आकर्षित होता है, लेकिन ऐसे खिलौने थे बड़े भी अट्रैक्ट हो जाए। खिलौना खेलता 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 आगे से जा रहा, जैसे ही 7वां कमरा पार किया, खजांची ने घड़ी दिखा दी, क्या हुआ, व्यस्त हो गया। फिर राजा के पास पहुंचा, राजा ने कहा चलो दूसरा चांस और दिया जाए। जैसे ही उसको पता चला, खजांची को उसने अब भी व्यवस्था कर दी, अब देखिए अब खिलौने से तो नहीं खेलेगा, अब क्या करेगा, जो हमारे पैसे गिनने में लगाए और भोजन कराने में, सेकंड क्या करेंगे, तो बोलो सफाई सफाई का। अब उसने सोचा देखो कुछ तो करना चाहिए, उसने सारे इतने अच्छे अच्छे घोड़े, वो कभी लाइफ में घुड़सवार इतने अच्छे अच्छे घोड़े रख दिए। अब वो घोड़ों को देख करके किसी पर हाथ फेर रहा है, किसी को देख रहा है, एक घोड़ा इतना पसंद आया, सोचा इसके ऊपर बैठूं, जैसे ही बैठा वो प्रशिक्षण दिया हुआ घोड़ा था लेकिन चलता बना, कितना घुमाया, 12 घंटा वो घुमाया, अच्छे से 12 घंटा बाद लाके छोड़ दिया। फिर पहुंचा राजा के पास, ठीक है भाई तीसरा अवसर और दे दिया। अब खजांची ने सोचा कुछ करना चाहिए, क्या करूं, क्या करेगा, बोलो महाराज आप बोलते जाओ। उसने इस बार क्या किया, एंट्रेंस में एकदम ऊंचा हुआ, काफी भयंकर ऊंचा हुआ, एक चाबी का बड़ा सा ऊंचा था, ऐसे व्यक्ति थोड़ा तो था ऐसे दिमाग वाला, उसने बस ऐसे चाबी को देखने लगा कि आज तक मैंने ऐसे ना कोई किसी से सुनी कि ये कौन सी वास्तु शास्त्र है, ये की जा
पीछे कोई यान क्यों टांगा गया है। तो पूछा उसे यान क्यों, उसने कहा ये ऐसा चाबी का गुच्छा है, आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो इस उलझे गुच्छे को सोचा। अब ये बताइए जब चैलेंज देते हैं तो क्या होता है, जोश आता है। तो ऐसी क्या बात है, अभी मैं करता हूँ चीखे भी करो। उसको लग रहा था बस अब सुलझा अब सुलझा अब सुलझा, हुआ क्या उसने निकल गया। पहुंचा राजा के पास, राजा ने कहा देखो अब ये लास्ट चांस, इसको खो दिया तो आना। वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, आप चिंता ही मत करो खोऊंगा नहीं, और बाई चांस खो दिया तो आऊंगा नहीं, ठीक है। अब उसको पता चला, अब वो सोचता रहा इस बार खजांची कुछ भी कर दे, घर गया था, अब रात भर सोचता रहा कुछ भी करे खजांची इस बार अवसर मैं खोऊंगा नहीं। और इसी उधेड़बुन में उसको एक क्षण के लिए भी नींद नहीं आई। और खजांची क्या व्यवस्था करके रखा है, सोने की सातों कमरों में अच्छे अच्छे पलंग, अच्छे अच्छे बिस्तर, एक से पढ़ के एक बिस्तर। अभी एक छोटा सा बच्चा हमारे पास आया तो बोले महाराज आप लोग सोते कहाँ, तो मैंने कहा यही कमरे में सोते हैं। बोले आप लोगों का बिस्तर का पलंग कहाँ, मैंने कहा हमारा पलंग तो धरती के हमारा पलंग है। तो थोड़ा सा उसको आश्चर्य हुआ, तो यहाँ सोते हैं। तो अब जैसे ही पहुंचा, किसी में हाथ करके देख रहा है, किसी में बैठ के देख रहा है, कभी खाट भी उसकी नसीब नहीं हुई थी, और अभी स्वतंत्रता है पूरी फुल कुछ भी करे। एक पलंग उसको इतना अच्छा लगा, पलंग और गद्दा, सोचा थोड़ी लेट के देख लो। अब रात भर की नींद तो थी आंखों में, जैसे ही लेटा, लेटने के साथ क्या हुआ, ऐसी गहरी नींद आई, सनसेट हुआ। वो खजांची झकझोर के उठाया, उसको गंदा रास्ता ना हो, अब पछताए बोध किया, चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या करे क्या बोले। अब देखिए एक छोटी सी स्टोरी, इसको कहानी कहें या जीवन की कहानी कहें, उसको चार अवसर मिले। पहला अवसर किसने गंवाया, खिलौने। बचपन किसने बीतता है, खिलौने में बीत जाता है, ठीक है। फिर दूसरी अवस्था आती है यौवन, किसने बीतता है, मौज मस्ती घूमना फिरना। कभी कभी आप लोग जो बहुत जल्दी बिजनेस में लगते हैं तो क्या लगता है, हमने अपने जमाने में जो मौज मस्ती करनी चाहिए किया नहीं, अरे बच्चे तो कुछ नहीं करने ने। तो जैसे वो घोड़े में घूमने चला गया था, वैसे ही इंसान का ये सेकेंड लाइफ यौवन, घूमना फिरना। तीसरी अवस्था आती है प्रौढ़ावस्था, इतनी सारी जिम्मेदारियां, ये निभाओ वो निभाओ वो निभाओ। जैसे उसने चाबी के छिछे गुच्छी को सुलझाने में बिता दिया, वैसे ही ये प्रौढ़ावस्था बीत जाती है। और चौथी अवस्था आती है सोने वृद्धावस्था, किसमें बीतता है। और वैसे तो मैं कई बार सोचती हूँ यहाँ के लोग बूढ़े नहीं होते, बूढ़े होते ही हैं, सब चीज खुद के हाथ से ही करना है, किसी के भरोसे तो रह नहीं सकते। किसको बोलूं,
पूरा आगम पूरा सूत्र पूरी सारा आगम इसी पे मैं कहाँ से आया। तो पिछली बार थोड़ी हमारी चर्चा हुई थी तो अपने तो चार प्रकार के लोगों की बात आती है, कुछ खुद को जानते हैं दूसरों को नहीं, कुछ दूसरों को जानते हैं खुद को नहीं, कुछ खुद को भी जानते हैं दूसरों को भी जानते हैं और खुद ना कुछ ना खुद को जानते हैं और ना दूसरों। आप लोग की कैटेगरी क्या है? लास्ट है। और हमारा कोई लाइफ में देखिए इम्प्योर शुद्ध भी आत्मा शुद्ध है और कर्मों से वो है आवृत है। तो इम्प्योर से हमको प्योर की यात्रा करनी है और स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा करनी है। हम अपने आप को क्यों नहीं जान पाते उसके लिए मूल कारण क्या क्या है? इतना ज्यादा पौगोलिक दृष्टि 24 घंटा इस पर फोकस है हमारा पदार्थ उद्गुणों के बाहर को देखते। और ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं क्योंकि सारी इंद्रियां किधर खुल रही है बाहर की, इसलिए कोई अंतर्मुखी है वो आश्चर्य, देखिए बहिर्मुखी है वो आश्चर्य नहीं है क्योंकि कुदरत ने बनाया ही इंसान को ऐसा ही है। आंखें खुद को नहीं देख सकती, किसको देख सकती है? सामने वाले। एक बात मैंने कही थी यदि आंख में कुछ गिर जाए तो क्या बोलिए सामने वाले को? देख मेरे आंख में कुछ गिर गया, कुछ निकाल। दूसरों को सारी दुनिया को 24 घंटा देख सकते हैं लेकिन खुद को नहीं देख सकते। प्रत्यक्ष ज्ञान का अभाव होने के कारण हम अपने आप को नहीं जान पा रहे हैं, प्रमाद के कारण मूर्छा के कारण हम अपने आप को नहीं जान पा रहे हैं और अपनी क्षमताओं से अनभिज्ञ हैं। वो कहा जाता है आत्मा में अनंत शक्ति, लेकिन किसी भी चीज को क्या मन में आता है? नहीं मैं तो ये नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? ये जो विकल्प आता है मैं नहीं कर सकता, इतना सा सोचिए जो कर रहा है वो भी इंसान है, वो कर पा रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तो हम अपनी क्षमताओं से अनभिज्ञ हैं। और सबसे बड़ी बात इलेक्ट्रिक चीजों का इतना ज्यादा मीडिया का इतना प्रभाव है कि खुद को जानने के लिए हमारे पास समय नहीं है। सारा फोकस में कई बार होती है उठने के साथ मन में क्या विकल्प आता है? कल आलू जी बैठे थे ऐसे कोई बात चली तो बोले कि महाराज मैंने कहा कि आप वो मेल से अभी कैंप के लिए कुछ भेजना था आपको डाउट निकाले थे, मैंने कहा आप अपना मेल दे दो। तो मैंने कहा व्हाट्सएप से भेज देना। बोले महाराज मैं व्हाट्सएप यूज नहीं करता, व्हाट्सएप ही नहीं है फोन। मैंने कहा ऐसे कैसे होगा व्हाट्सएप नहीं हो? तो फिर इनको पता भी नहीं है कि इनके फोन में व्हाट्सएप भी है। तो खैर जो भी है बात में बता रहे कि इंसान इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। आप सामायिक भी कर रहे हैं, ध्यान करने की भी आदत है, कुछ भी करते हैं, थोड़ा सा भी पुण्य साउंड हुआ क्या निकल पाएगा? किसका मैसेज या जिसका वेट कर रहे हैं मन में विकल्प आएगा उसी का आया होगा। उठने के साथ जो उस पर फोकस हो रहा है, सोने से पहले तक उस पर फोकस हो रहा है अपने लिए हम, इसका मतलब हुआ कि हमने खुद से ज्यादा रेस्पॉन्स किसको दे दिया? दूसरों को दे दिया। 24 घंटा किसका क्या कौन किया और क्या उसका मैसेज, तो हमने इसका मतलब दूसरों को इतना महत्व दे दिया। तो इसके लिए हम अपने आप को नहीं जान पा रहे हैं। तो दो तरीका है, खुद हम सेल्फ अपने आप को मोटिवेट करें और अपने आप को हम रियलाइज करें, हम अपने अस्तित्व को समझने का प्रयास करें। तो ये चार प्रश्न अपने आप से हमेशा पूछें, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं यहाँ क्यों आया और मुझे यहाँ कितना रहना। तो यदि इसका हम चिंतन करते रहेंगे और ऐसा भी विकल्प आता है जितना भी रहे। कई बार मैं सोचती हूँ देखिए अभी तो चलो आप लोगों को तो यही बोलेंगे कि भाई अपना अधिक से अधिक समय आत्मा के लिए लगाओ। लड़कियां जो शादी नहीं किए मैं उनको पूछती हूँ शादी क्यों करते हैं, क्यों करती है शादी? क्योंकि बड़े
24 घंटा है पेरेंट्स का फोकस किस पे होता है? बच्चों का, कैसे बच्चों का अच्छा हो। तो लाइफ यदि कोई बच्चा बोलता है हमको शिक्षा लेनी है, पेरेंट्स बोलते फिर हम संसार में रह के क्या करें? तुम दीक्षा ले रहे हो। जम्बू स्वामी के लिए बोलते हैं, जम्बू स्वामी जब दीक्षित हुए तो क्या हुआ? कितने जने के साथ दीक्षा लिए थे? उनके माता पिता सारे, उनकी अनुज रानियां थी वो, और सबके माता पिता। सोचिए जब बच्चे ही ले रहे हैं हम क्या करें? आप भी लेकर चेन्नई में एक परिवार दीक्षा लिया है, शायद आप लोग देखे होंगे 23 दीक्षाएं हुई। जिनको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है बात बता दूं। उनके दो बच्चे, एक लड़की तो दीक्षा में थी, सिद्धार्थ प्रभा जी उनका नाम है और टैलेंट है, और उनकी बहन और भाई यानी एक लड़का और लड़की जो माया में पढ़ते थे और ऑरलैंडो कैंप में वो क्लास भी देने आते थे, और पेरेंट्स उनके लिए यही यूएस में ही लड़का, जैसे लड़की के लिए लड़का इतनी ढूंढ रहे। अब देखिए प्रवचन में गए हैं, आचार्य जी का जस्ट प्रवचन में बैठे हैं, और जो भी प्रवचन हुआ ये ऐसे भी बहुत रेयर होता है। देखिए मधुकर में आत्मा, पहले तीर्थंकरों का प्रवचन होता था, जब राजा महाराजा एक प्रवचन में खड़े होकर के दीक्षा नहीं लेते, जब राजा महाराजा एक साथ, जैसे अपन बोलते हैं भगवान ऋषभ जब दीक्षा लिए, पता ना उनके साथ कितने जने दीक्षित हुए? किसी को भी पता हो? 500। चार। देखिए कितना, ये सारे कौन है? ऐसे सारे लोग नहीं, राजा महाराजा सब दीक्षा लेते थे, 4000। अच्छा सबको पता नहीं क्या करना है कैसे करना है, और भगवान को जो तीर्थंकर बोलते हैं दीक्षा की बात बोलते नहीं, और भगवान को वैसे भी वो 13 महीना 13 दिन तक भिक्षा गुजरी भी नहीं मिली थी। अब सारे ने सोचा भी ये खुद भी भूखे रहते हैं और हमको भी भूखे रखते हैं, कौन भूखे? उस समय तक ऐसा कोई वो था नहीं, ये जितने भी संप्रदाय हुए सनातनी ये वो सारे अलग 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 अपना घर नहीं है, अलग 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 अपना मत जला दी। तो खैर मैं बात बता रही थी कि एक एक प्रवचन होता था और जरूर लोग दीक्षित हो जाते, तो वो भाई और बहन आचार्य जी के प्रवचन में बैठे और संयोग से कोई बात ऐसी लगी, बस मन में विकल्प आया कि हम भी दीक्षा ले लें। देखिए वो भाई तो अपना उधर बैठा है जेंट्स की तरफ और लड़की बैठी है लेडीज की तरफ, दोनों के एक साथ विकल्प आया, और दोनों की वैराग्य नहीं है, ये मैं लेटेस्ट बात बता रही हूँ, अभी कब की बात है, शायद ये 9 दिसंबर 9 की बात है, मतलब अभी लास्ट मंथ की बात है। तो अब होता है क्या है, जो दोनों के लिए दीक्षा ली है सब साथ में उसी समय की बात है, अब दोनों के विकल्प आया, घर गए दोनों आपस में बात किए रात को, भाई बहन कि भाई ऐसे आज मेरे मन में आया, भाई मेरी मन मेरे भी मन में आया, तो सोचे चलो पेरेंट्स को कह दें। अब जैसे उन्होंने अपने पेरेंट्स के सामने बात रखी ऐसे से मन में आया, करते हैं पेरेंट्स के तो एक बार अश्रुधारा निकल पड़ी, लेकिन उनको त्याग था कि कोई संतान दीक्षा ले तो हम ना नहीं करेंगे, ठीक है तुम्हारे मन में आया है लेना है तो ले लो, और साथ में क्या कहा, जब तुम ले रहे हो हम संसार में रह के क्या करें? अब चारों की दीक्षा एक साथ, और ऐसे नहीं थोड़ा अपने आप को धो लेंगे देखेंगे परीक्षा लेंगे, नथिंग, आज भाव आया कल जाके निवेदन कर दिया और पूरा परिवार एक साथ दीक्षित हो। तो ऐसे भी लोग होते हैं, तो बात में बता रही थी कि हम अपना एनालिसिस करें, अपने आप को देखें हम क्यों संसार में हैं, क्यों ये सारा बाहरी चीजों में फुटबलों में उलझ रहे हैं, तो कितना मुझे यहाँ रहना है। अब देखिए अपने आप को जानने के लिए उसका बेसिक फंडामेंटल क्या है, तो एक बात किसी बार बताई कि किसी भी भाषा को आप सीखते हैं तो क्या सीखते हैं, पहले ABC, सबका अपना
एबीसी की इसी बात मेरे साथ बताई थी। एक बच्चा चर्च में प्रतिदिन जाता और 5 बार पूरा एबीसी पढ़ करके आ जाता। पादरी के मन में विचार आया, ये क्या प्रार्थना करता है रोज का ये एबीसी। एक दिन बच्चे से कहा, तुम ये क्या करते हो, एबीसी क्यों बोलते? उसने कहा, मैं मूल चीज भगवान को परोस देता हूँ। जितनी भी प्रार्थनाएं बनी है वो किससे बनी है? किसी एबीसीडी से बनी है। भगवान अपने आप बना लेंगे। जो हूँ परोस देता हूँ रोटी, भगवान खुद बना लेंगे। तो सारी प्रार्थनाएं किससे बनी है? एबीसीडी से। अब देखिए, एबीसीडी जिसने सीख लिया उसको वर्ड पढ़ने के लिए मेहनत करना पड़ता है, अपने आप बन जाता है। और उस एबीसीडी को पढ़ने में कितना समय लगा है? साल भर भी लगा होगा। घोड़ते रहे। आजकल उसको घूमना पड़ेगा। हम भी अपने आप को जानने की एबीसीडी क्या है। आज कोई सॉन्ग सीखता है तो सबसे पहले क्या सिखाया जाएगा? सारे गाना। अब एक बार क्या हुआ, अब मैं भी सीखने लगी सॉन्ग। किसी ने मुझे कहा, हमारा सॉन्ग सीख लो। मैंने कहा ठीक है, 15 दिन सीख लेते। बहुत समय, 15-20 साल पहले की बात बता रही। अब मैंने देखा जो सिखाने के लिए वही सारे गाँव। मैंने परेशान हो, मैंने कहा भाई कर क्या रहे हो, इससे क्या होने वाला है? आज समझ में आती है कि जितने भी सॉन्ग है क्या है, तो सारे गाँव ही है। तो कई बार लगता है इसको सीखने तो क्या होगा, अरे वही सब कुछ है। ये कब समझ में आएगा? जब समझ आए। तो अपने आप को जानने के लिए हम 4 चीजों को जाने। क्या क्या चीजें? वो शरीर को जाने, मस्तिष्क को जाने, इमो भावों को जाने और सोल को, आत्मा को जाने। तो सबसे पहला है नो योर सेल्फ का पहला फॉर्मूला हमारा बॉडी। तो अपने बॉडी को जाने और उसका हम केयर करें। अब देखिए ह्यूमन बॉडी क्या है। अपने आप में ये बहुत ही महान ग्रंथ है। महाप्रभु जी कहा करते थे, बाहर की दुनिया से भी बड़ी दुनिया भीतर है। जितना बाहर शोरगुल है उससे ज्यादा भीतर है। बहुत एक प्रकार का ग्रंथ है। हम देखें और मान के चले एक ही चीज को, अपने भावों को, अपने संस्कारों को आंख बंद करके जब आप देखना सीख जाएंगे, एक एक चीज को देखने लग जाएंगे, वो सारी ग्रंथियां अपने आप टूटने लगेंगी। तो ये बहुत महान ग्रंथ है। और देखिए ये भी है एक प्रकार का, जैसे इसको खजाना भी है। अब खजाना हम कैसे कह सकते हैं? आप लोग को हर चीज ब्रांडेड चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? प्राय कोई भी चीज लेते हैं, एक शायद एक हो जाता है कि इतना महंगा क्यों। एक बार किसी को पूछा, 2 जने आए, बोले महाराज चश्मा खरीदने गए थे। ठीक है भी। एक ने कहा कि मैं 2000 का चश्मा लाया हूँ और साथ में जो था वो बोले 20000 का चश्मा। मैंने कहा मुझे दोनों ही देखने में एक जैसा लगता है, आप भी 2000 का ले लेते। बोले महाराज वो तो ठीक है, ये जो नाम है ना ब्रांड का, इसी से ये 2000। तो आज चश्मा भी लगाएंगे देखेगा कौन, खुद को देख रहे हैं आप? सब चीज देखिए, जो भी इंसान कर रहा है किसके लिए कर रहा है? दूसरों के लिए। आप दूसरे तो दोनों प्रकार के लोग होंगे, पैसा बर्बाद करता है बोलने वाले भी होंगे, और वाओ लाइफ में तो मौज मस्ती तो यही करता है, दोनों प्रकार के लोग होंगे। तो बाद में बता रहे कि देखिए हमारा सिर्फ आप वस्तु में जाते हैं कि वस्तु हमको ब्रांडेड चाहिए। मैं सोचती हूँ सबसे ब्रांडेड बॉडी मिला है तो किसको मिला है? मनुष्य। अब ब्रांडेड बॉडी कैसे? आज भगवान बन सकता है कौन? सिर्फ मनुष्य। किस लिए बन सकता है ये ब्रांडेड बॉडी के कारण? एक एक ऑर्गन को देखें हम, ऐसा किसी के पास नहीं है। बोलो है क्या? अपन होते हैं तीर्थंकर चक्रवर्ती, अनंत बलि होते हैं। अरे अनंत बल अपने में भी है। आज साइंस कहता है शरीर में 600 खरब सेल्स है। कितना?
600 600 खरब खरब सेल्स है और एक एक सेल्स में एनर्जी कितनी। साइंस के आधार पर एक सेल्स अनंत परमाणुओं से बना है और एक परमाणु में कहते हैं 125,000 एक परमाणु 125,000 कैलोरी ऊर्जा जनरेट करता है। ऐसे अनंत परमाणुओं से एक सेल कितने सेल है बॉडी में 600 खरब कोशिका 600 खरब सेल्स और एक एक सेल्स में अनंत परमाणु एक एक परमाणु 125,000 कैलोरी ऊर्जा जनरेट करता है। तो आप सोचो कि कितना हमारे भीतर क्षमता है, तो ये खजाना है। तीसरी बात, शरीर माध्यम खल धर्म साधनम, शायद आप लोगों ने सुना होगा देवता भी तरसते हैं, कहाँ आने के लिए, मनुष्य जन्म को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। सिर्फ और सिर्फ धर्म करने का साधन या अधिकार किसी को है तो मात्र मनुष्य, बाकी भी ऐसे देखे अपन त्रियंज भी श्रावक होते हैं, देवता भी धर्म करते हैं, लेकिन त्याग पचकान कोई नहीं कर सकता है। त्याग पचकान कौन कर सकता है? 26 देवलोक, देखिए देवलोक की संख्या कितनी है 26। कहते हैं पांच जो अंतर विमान के जो अंतिम पांच देवलोक है और उसमें भी सिर्फ जो 26वां देवलोक उनका आयुष्य कितना रहता है पता है, उनका कर्म कितना रहता है? यदि सिर्फ एक बेला कर ले तो मोक्ष हो जाए। कितना? इतने अनुकर्मी होते हैं, मात्र एक बेला कर ले तो वहीं से मोक्ष जा सकते हैं। लेकिन वहां प्लेटफॉर्म नहीं है, एयरपोर्ट नहीं है, स्टेशन नहीं है कि वहां से जा सके, वो कामन है सिर्फ और सिर्फ ये मनुष्य। तो शरीर माध्यम धर्म करने का साधन मात्र शरीर है, इसलिए हम सभी को समझें। और सबसे बड़ी बात, जितना भी हमारा जो पावर है वो पावर की अभिव्यक्ति कहाँ होती है? आज कोई जैसे ये आपके लाइट है, बल्ब है, फैन है, ये सब क्या है? इलेक्ट्रिक। इनका अपना महत्व है, क्यों है? देखिए ऐसे देखें अपन, आप यूं समझ सकते हैं जैसे ये जगता है किस आधार पे? आप स्विच ऑन करते हैं तो वो पावर कहाँ है? तार में, ठीक है, वो कहाँ से आ रहा है? पावर हाउस से। लेकिन पावर हाउस का जो पावर है वो एक्सप्रेस कहाँ हो रहा है? बल्ब से। तो हमारा अंदर की जो एनर्जी है, आत्मा की जो शक्ति है, वो अभिव्यक्ति का साधन क्या है? शरीर। तो ये शरीर ही अभिव्यक्ति का साधन है, इसलिए हमको पावर की अभिव्यक्ति का साधन है, इसलिए हम शरीर को समझें। अब उसके लिए हमको करना क्या है? देखिए पांच एलिमेंट्स को जानना है, हमारे मूल बेसिक फंडामेंटल को जानना है बॉडी का, और कुछ प्रयोग करना है। तो एलिमेंट्स हमारे क्या क्या है? पांच तत्व। ये पांच तत्व से शरीर बना है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। और ये पांचों चीजों की आवश्यकता होती है। लोग बोलते हैं महाराज गैस बन गया, गैस बन गया। अब मुझे एक बात पूछूं आपको, अंदर वायु की आवश्यकता है या नहीं है? तीनों, देखिए वात एक आयु की बात सही है, वात पित्त कफ, ठीक है, कफ भी जरूरी है, वात भी जरूरी है और पित्त भी जरूरी है। समस्या कहाँ बनती है? जल जहाँ जीवन है वही प्राण लेवा बन जाता है, पानी के बिना चल नहीं सकता, बाढ़ आ गई तो जल के बिना एक मिनट नहीं चल सकते, और वही व्यक्ति के लिए प्राण लेवा भी हो जाता है। तो किसी भी चीज का जब अति होता है वो एक्सेस क्या होता है? खतरनाक बन जाता है। तो हमारे ये पांच
जाता हूँ। पांच जो अपनी उंगलियां है ना, पांच तत्व है। अंगूठे में अग्नि, तर्जनी में वायु, मध्यमा में आकाश, अनामिका में पृथ्वी और कनिष्ठा में जल। ये पांच तत्व है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। अब इनको मुद्रा बनाते हैं। तो एक एक मुद्रा बनाते हैं तो कौन चीज की किसी को कम करना है तो भी उसके लिए मुद्रा है, बैलेंस करना है तो भी उसके लिए मुद्रा है। जब उंगलियों को फोल्ड करते हैं तो उस चीज को हम कम कर सकते हैं। जैसे जिसको गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है तो क्या करें आप, इस उंगली में वायु है, इसको आपने फोल्ड किया, इसके ऊपर यू किया, ये बन गई आपकी वायु मुद्रा। ज्यादा को कम करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, ठीक है, इसका नाम है ज्ञान मुद्रा। कोई भी चीज अपन को ज्यादा है तो फोल्ड कर लो, बैलेंस करना है तो आपस में मिला लो। तो पांच ये तत्व, तो ये मुद्रा है हमारी पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा भोजन जो लेते हैं उससे पृथ्वी तत्व अंदर जाता है, और आपने ये मुद्रा बना लिया तो आपको ऊपर से भोजन लेने की आवश्यकता नहीं। अंदर सारे हमारे अंदर जनरेट होते हैं, पानी लेते हैं, शरीर में 70% पानी की आवश्यकता रहती है, ये मुद्रा बना लिया, ठीक है। तो इससे आपकी पानी की कमी ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी। खैर अभी हमारा मुद्रा टॉपिक नहीं है, बात बता रही हूँ। तो ये पांच तत्वों को हम समझे। दूसरी बात, दूसरा हमारा बेसिक चीजें हैं, जैसे ब्रेन, बॉडी का पूरा कंट्रोलर कौन है, मस्तिष्क है। स्पाइन, हमारी जो सुषुम्ना है, अब ये सुषुम्ना को भी समझना जरूरी है। देखिए मनुष्य और पशु, यदि डिफरेंट करने वाला कोई चीज है तो क्या है, स्पाइन। स्पाइन, ये हमारा जो स्पाइन है, ये कहते हैं, देखिए भगवान महावीर को लोग ऊपर उछाल देते, बहुत ऊपर तक उछाल देते। भगवान को क्या कुछ कभी बिगड़ा, भगवान का कुछ हुआ, किसी को भी ध्यान में हो, कभी इतिहास पढ़ा हो, क्यों नहीं हुआ, उनका भी तो शरीर ही था, फ्रैक्चर वैक्चर क्यों नहीं हुआ। संगठन तो ठीक है। देखो इसमें एक बात आपको बताऊं, भगवान जब भी ध्यान करते मस्तिष्क और सुषुम्ना को शिथिल कर देते। जब भी आप मस्तिष्क और सुषुम्ना को रिलैक्स कर दोगे, शिथिल कर दोगे, कुछ नहीं होगा। भले आप 20 मंजिल ऊपर से भी नीचे गिर जाओ, कुछ नहीं, कोई हड्डी फ्रैक्चर नहीं, कुछ भी नहीं होगा। सुषुम्ना को जानना जरूरी है। एक बार एक साध्वी जी ऑपरेशन कराने, घुटने का ऑपरेशन कराने के लिए, जब पूरा बॉडी का उनका डॉक्टर ने देखा, हम साथ में सेवा में गए थे, तो उस डॉक्टर ने कहा कि आपके घुटने में प्रॉब्लम नहीं है, आपकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है। ऑपरेशन किसका कराना है, घुटने का नहीं, रीढ़ की हड्डी का। गए हैं घुटने के लिए, ऑपरेशन किसका किया डॉक्टर, रीढ़ की हड्डी का। तो आज मूल क्या चीज है, अब जैसे मान लो अब लोग बैठते हैं, अब बैठते हैं, बैठने के पोजीशन से पता चल जाएगा इसका नेचर कैसा है, ये कितने जल्दी बीमार होने वाला है। माफ कीजिए, को ऐसे आश्चर्य होता था, कोई ज्यादा झुक के बैठते थे ना, तो कभी कभी विनोद भी कराते थे, एक बार एक समय आसानी से झुक के एकदम काफी झुक के दिख रहे थे, तो बुलाए ऐसे ही सब जो बैठे थे, बोले देखो, कभी माफ कीजिए मजा लेकिन वैसे नहीं बैठे। यदि किसी ने देखा हो कि कैसा, देखिए एक तो 4 बजे के बाद बिस्तर पे कभी सोए नहीं, खुद फरमाते थे आज तक मैं 90 साल की उम्र में ये बात कर रहे हैं, मैं लाइफ में 4 बजे के बाद कभी सुबह के समय सोया नहीं। और बैठे हुए कैसा, हाँ कायोचन भी, जैसे कायोचन भी करते थे, तो एक बार उन्होंने मुख्य नियोजिका जी से कहा कि आज मेरा कायोचन लंबा हो गया। क्या कहा, कायोचन लंबा हो गया। तो मुख्य नियोजिका जी ने कहा चलो अच्छा, रिलैक्स हो गया, नींद आ गई। हंसने लगे, कायोचन में नहीं, और अपना कॉन्सेप्ट क्या है, कायोचन
ये स्पाइन का अजीब सा स्ट्रक्चर बना के बैठते हैं। मैंने देखा नेचर में इतना अंतर आता गया तो नेचर भी काफी बदल जाता है, बुढ़ापा जल्दी आ जाती है। ये हमारा बॉडी का है एंटीना। तो स्पाइन को भी समझे हम, नाभि को समझे। बच्चा माँ के गर्भ में किससे जुड़ा हुआ होता है? 9 महीना नाभि से जुड़ा हुआ। और जैसे ही जन्म लेता है सबसे पहले क्या करते हैं? यदि उसको नहीं करेंगे तो 5 मिनट के भीतर बच्चा चल बसेगा। अब ये नाभि भोजन करता है वो किससे कर रहा है? 9 महीना वो नाभि से कर रहा है। तो ह्यूमन बॉडी का नाभि इतना पावरफुल है। एक बार साथी ब्रह्मा जी ने महाप्रभु जी से कहा, महाप्रभु जी देखिए एक अलग ही, अब उनको कुछ भी ऐसे जो भी उपमा दे हो सकता वो क्या नहीं, एक शब्द में देखें अपन वो क्या नहीं। तो कहा कि एक साध्वी जी को 8-10 दिन से बुखार आ रहा है, 3-4 बुखार उतर ही नहीं रहा है। अजय सिंह ने फरमाया, बैठने की स्थिति है तो ठीक, नहीं है तो लेटे लेटे 5 या 7 मिनट नाभि दर्शन करना है, नाभि को देखना है। देखिए क्या कह रहे हैं, नाभि को देखना है। बोले लेटे लेटे देखो, इसका मतलब है देखिए रेसिस्टेंस बीमार क्यों पड़ता है? व्यक्ति रेसिस्टेंस पावर वीक होगा तो बीमार पड़ेगा। और रेसिस्टेंस पावर हमारा पावरफुल है, स्ट्रांग है, वो व्यक्ति जल्दी से बीमार नहीं पड़ेगा। हमारी ये रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति को बढ़ाना कैसे बढ़ाए वो समझना है। यहाँ मैं नाभि की बात कर रही हूँ। तो नाभि में और बच्चों को भी कुछ बीमारी होती क्या करते हैं, गैस वैस हो जाता है तो नाभि पर तो ही मारे लगाते हैं। एक बार मेरा भी जी घबरा रहा था काफी साल पहले की बात है, एक साथ में समझी जी थे, उन्होंने कहा लिक्विड बाम आता है आप लोग जानते होंगे, तो उन्होंने कहा कि लिक्विड बाम को नाभि में लगा। मुझे आश्चर्य हुआ, 1-2 मिनट लगाने के साथ जैसे कुछ हुआ ही ना, तो बड़ा पावरफुल। अब बोलते हैं जैसे किसी का स्किन खराब होता है, फटता है, पेटी फटता है, होंठ फटते हैं, तो नाभि में सरसों का तेल लगा लो तो आपके ये स्किन फटेगी। तो नाभि का वहाँ और अंतिम हमारा वाइटल पार्ट मर्मस्थान, 150 हमारे बॉडी में मर्मस्थान, कितना 150। अब मर्मस्थान आप लोग जानते हैं 13 केंद्र जो अपन बोलते हैं चैतन्य केंद्र। तो ऐसा है देखिए जितने भी मर्मस्थान है इस पे चोट आदि लगने से या तो ये खुल सकता है या व्यक्ति दोनों चीज। महाप्रभु जी बचपन में बच्चे 8-10 साल के होंगे, सब बच्चे सोचे कि चलो आपस में खेलते, खेल का विषय क्या बनाया, आंख में पट्टी बांध करके एक दूसरे को छूना है, पकड़ना है। अब महाप्रभु जी जब बांध करके चल रहे थे बोलते होंगे दसवें केंद्र पर दीवार ऐसा जबरदस्त लगा, उसी समय क्या हो गया उनकी तीसरा नेत्र खुल गया, उसी समय खुल गया। महाप्रभु जी को देखने के लिए वो बिना आंख से देख सकते थे और बिना कान से सुन सकते थे, तो ये तीसरा नेत्र उनका खुल गया। वैसे बोलते हैं बचपन से ना उन्होंने अपनी जीवनी में लिखा है, मैंने अपने पिता को मृत्यु सैया पर सोते हुए देखा, जीवनी में लिखा है। और पता है उस समय वो कितने कितने महीने के थे, 2.5 महीने के, 2.5 महीने का बच्चा बोल रहा है कि मैंने अपने पिता को मृत्यु सैया पर सोते हुए देखा है। तो खैर जो भी है मैं बात बता रही थी, ये अपना जितने भी वाइटल पार्ट है वो बहुत पावरफुल होता है। और करना क्या है उसके लिए, शरीर को हमको साधने के लिए एक तो भोजन पर ध्यान है। क्यों ध्यान है? वो कहावत तो है जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। हमारा जैसा हम भोजन करते हैं हमारा वैसा न्यूरोट्रांसमीटर होता है, और जैसा मस्तिष्क के सेल्स को क्या कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, और वो बनता किससे है, वो भोजन से। तो जैसा भोजन होगा वैसा न्यूरोट्रांसमीटर होगा, जैसा न्यूरोट्रांसमीटर
आसन, भले आसन छूट जाए लेकिन आसन नहीं छूटे। और सूर्य का प्रकाश लेना चाहिए। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के लिए देखिए कहा जाता है, शुद्ध रहे फेफड़ा, साफ रहे पेट, 100 बरस लगे नहीं काल की जगह। फेफड़ा शुद्ध है और पेट साफ है तो 100 बरस आके हाल है। 100 बरस जीना है क्या? ये जो जो होते हैं उनको 100 साल जीना नहीं है। मैं एक बात पूछना चाहूंगी, मर के जाओगे कहाँ? जो भी कर रहे हैं बस है? तो इतना सा सोचो, अभी तो स्वतंत्रता है, सब चीज है, अब मर के किस गति में जाएंगे कुछ पता नहीं, क्या क्या कदम होना पड़ेगा कुछ पता नहीं, क्यों मरने की बात सोचो? सही ढंग से हम उपयोग करना सीखे तो ब्रीदिंग को जानना बहुत जरूरी है। श्वास एक ऐसा चीज है, देखिए इसको जो समझ गया ना उसको दूसरे किसी चीज को समझने की आवश्यकता नहीं। पहली सीढ़ी है, एक बार एक साधु सिद्ध ने महापुरुष से पूछा था, विशिष्ट साधना करना चाहती हूँ क्या करूँ, मैं बहुत साधना करती हूँ। पता है आज इसी ने उनको क्या कहा? बोले श्वास की माला फेरो। अब देखिए आप ध्यान दें, श्वास की माला कैसे फेरनी जानना है। अब माला हाथ में लिया, लंबा सांस लिया, लंबा छोड़ा, एक मणिया आगे, फिर लंबा लिया, लंबा छोड़ा, दूसरी मणि। ऐसे कितनी बार करना है? 108 बार। क्या हो गया आपकी? श्वास की माला। और फिर देखो उसका पहले, इसको करके देख सकते हो, बहुत अच्छा चीज है। कायोत्सर्ग, कायोत्सर्ग सुखे सयामा, सबसे अच्छा चीज है कायोत्सर्ग। एक एक चीज भी तो देखिए लंबा कर सकते हैं, लेकिन समय की सीमा है, अपना समय काफी हो रहा है। मस्तिष्क को जानना, मस्तिष्क को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मन, मन कहे मस्तिष्क कहे, वो कहा गया है, मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो। बंधन का कारण है तो मन और मोक्ष का कारण है तो मन। एक बात बताइए, मन वाले का ज्यादा बंधन होता है या बिना मन वाले? मन वाले। तो ये एक इंद्रिय आदि जो है वो ज्यादा अच्छे हैं या आप ज्यादा अच्छे हैं? हम ज्यादा अच्छे। क्यों? बेचारा बंधन नहीं कर रहा, मन से ही बंधन करते हैं। मन ना होने से मोक्ष के पास माया बहुत। अब आप ये देखिए, आश्रव जो अपन बोलते हैं ना, आश्रव बोलते हैं जैसे मिथ्यात्व, अवरत, प्रमाद, कसाई, योग, ठीक है। मिथ्यात्व बिना मन वाला वो क्या है? समित्वि है या मिथ्यात्व? ये आश्रव का पहला कारण और मूल कारण, ठीक है। अवरत वो त्यागी है या अत्यागी, ये भी आश्रव का कारण। प्रमाद वो प्रमाद में है या प्रमाद में? अरे घबराना मत, आप तो सही बोल रही हो, मैं ऐसे देख प्रमाद में, ठीक है। और कषाय, ये पता है ये घास पेड़ पौधे इनको कसा है या नहीं? 10 जो संज्ञाएं हैं एक इंद्री से लेके पंचेंद्रिय तक सबको है। ये क्रोध मान माया लोभ, और भगवती में आता है सबसे ज्यादा माया किसके भीतर, मान किसके भीतर है पता है? सबसे ज्यादा किसके है? ये जो काई निगोद के जीव है ना, सबसे ज्यादा मान इनके भीतर है। आप बोलेंगे कैसे? ये भगवान ये हम नहीं करे, अब कैसे? तो अपने लिए भी प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन भगवान ने कहा बस वो बात पे। किसी के पास कुछ हो और ईगो हो बड़ी बात नहीं, कुछ नहीं होते हुए लोग ऐसे ऐसे में चलते हैं जैसे क्या कुछ कर रहे हैं। अरे क्या है ये, जो लोग मान पत्र लेते हैं ना और उसको बड़ा सा लेमिनेट करके टांगते हैं। आज देखिए कोई आपको, आपकी पर गुस्सा कर रहा है तो आप क्या करेंगे? उसका कभी मुंह देखना नहीं पसंद, ठीक है। पर कोई मान पत्र दे रहा है तो जब भी जहाँ भी मिले क्या करेंगे आप? बहुत सम्मान देंगे उसको, सम्मान देंगे। इसने मेरा इतना सम्मान किया, अरे वो आपकी कसाई को प्रबल किया है। आप ध्यान दो, ये कहाँ कहाँ हम क्रोध मान माया लोभ
बात याद आ गई। ये याद कॉन्शियस लेवल पे नहीं होता है। कौन करा आपको याद दिला रहा है? उसका अनकॉन्शियस लेवल। सब कॉन्शियस मान लो कोई घटना घटी और घटना घटी है, याद आ गया और उसके साथ आपका फीलिंग्स सुबह सुबह आपके लाइफ पार्टनर के साथ क्या हो गया? जब आप ट्रेन नहीं बोल सकते ऐसे ही बोल सकते आप महीने भर में आज पहली बार सुबह सुबह इतनी अच्छी प्रेम से बात की, इतना अच्छा व्यवहार की। तो अब देखिए जो फीलिंग्स आता है उसके प्रति वो कौन सा माइंड से हो रहा है हमारा? वो सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। हमको करना क्या है? भागते हुए मन को पहले हमको घूमते मन को रोकना है, फिर उसको किसी चीज में एकाग्र करना है, उसके बाद हमको क्या करना है? गहराई में जाना है। तो हमको करना क्या है? देखिए अपने मस्तिष्क को क्या उसको ट्रेन करने के लिए हमारे जो पांचों इंद्रियां हैं उस इंद्रियों को कंट्रोल करना है। तीन शब्द है, योग अयोग और अति योग। देखिए योग अयोग और अति योग, इंद्रियों का योग भी करते हैं अयोग भी करते हैं और अति योग। इसको यूज बोल सकते हैं, एक तो बिल्कुल काम में नहीं लेना, एक एक्सेस काम में लेना और एक लॉस्ट। ठीक है, तो इंसान क्या कर रहा है? इंद्रियों योग कर रहा है, अयोग कर रहा है, अति योग कर रहा है, बहुत ज्यादा काम में ले रहे हैं। आप इतना समझो, ये जो जानवर होते हैं पशु पक्षी होते हैं, कोई भी प्राकृतिक आपदाएं आती है, भूकंप आता है, ज्वालामुखी फटती है, जो भी प्राकृतिक आपदाएं आती है वो जानवरों को पहले से पता चल जाता है। अब पक्षी अपने घोंसले में पहले से आ जाएंगे किसके आधार पर? उनकी भी पांच इंद्रियां हैं, आपकी भी पांच इंद्रियां हैं। लोग होते हैं भूकंप आया मुझे तो पता ही नहीं चला, जब आप न्यूज सुने हो मैं तो वहां था मुझे पता ही नहीं चला। बात ठीक है, और कहां वो जानवर देखिए उनको आने वाला है वो भी पता चल जाता है। इसका कारण क्या है? हम एनर्जी जो वेस्ट कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं? यही पांचों इंद्रियां। जितना अधिक इसको काम में लेंगे उतनी हम एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, और जो त्रियन जो होते हैं वो वेस्ट नहीं कर रहे। आज किसी पशु पक्षी को चश्मा लगाते हुए नहीं देखा हो, कान की मशीन लगाते हुए देखा है? कुछ नहीं। इंद्रियों का अतियोग नहीं करते। देखिए अयोग करना, बहुत अयोग करना भी काम करने बोलते हैं, बड़े बड़े औजार के भी जब दिमाग को काम में नहीं लेंगे ना, ये भी क्या होगा? आज एक डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर को कहो घुटने में दर्द है, डॉक्टर क्या बोलेगा? बैठना मत, यदि बैठ गए तो हमेशा के लिए बैठ जाओ, चलते रहो, घूमते रहो, एक्टिव रहो। यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो अपना काम खुद करो, दो बार उठना है तो जाकर बैठो। लेकिन अति जहां होता उसको हम रोके। आज बिल्कुल उपयोग नहीं देने वाली बात शायद पता हो, एक व्यक्ति को एक घर में शादी थी एक महीने बाद, और गाय भी थी, तो सोचा डेली ये गाय 3 kg दूध देती, आज से दूध दोना बंद कर दो, एक महीने बाद कितना देगी? कितना देगी? अरे गणित आप लोगों का कमजोर है, 90 kg। ठीक है, आप एक महीने बाद बड़े-बड़े घर के सारे बर्तन लेके बैठ गए, अब दूना शुरू किया, कितना दुआ? दिल्ली नहीं आया, जो डेली का देती थी ना वो भी नहीं आया, वो भी गया। बिल्कुल काम में लेना भी नहीं लेना भी काम करना, लेकिन फिर भी मान के चले। देखिए जो जैसे रात को 8 घंटा आप लोग सोते हैं, आंखें जो बंद रहती है, मुंह जो बंद रहता है, आंखों में आ जाता है मैग्नेटिक पावर और जीभ में आ जाता है एंटीबायोटिक। आज ये पता है आप लोगों को, गांधारी जो आंख में पट्टी बांध करके रखी थी, सबसे पहले दुर्योधन को देखा, क्या हुआ उसका शरीर? ज्ञान जो कहता है दुर्योधन का शरीर वज्र का, आंखों में इतना पावर,
अखबार में आप लोग, यहाँ तो मुझे पता नहीं अखबार आता है कि नहीं आता है। कई बार हम देखते हैं जैसे यहाँ तो ऑल इंडिया में जब थे तो वो अखबार जो भी बाहर आता है वो तो खाली एडवर्टाइज से भरा हुआ रहता है, सोचा यहाँ का अखबार वैसे एडवर्टाइज ही होता है, होता नहीं है। तो इंडिया में जो अखबार आते थे देखिए तो उसमें फ्रंट पेज में क्या होता है सारा समरी हेडलाइन, यहाँ ये हुआ वहाँ वो हुआ ये घटना हुई, माफ कीजिए कहा करते थे वो फ्रंट पेज लोगों की काम का नहीं है, वो पुलिस का है, वो अपने पढ़ लिखा कहाँ क्या हो रहा है उसको क्या करना है। तो अनावश्यक जो आपके फील्ड का नहीं है वो अनावश्यक क्यों सोचते रहना, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, ये चाहिए जिसको करना है वो अपने आप कर लेगा, ये अनावश्यक हम एनर्जी उसमें क्यों वेस्ट कर रहे हैं और क्यों कर्म बांध रहे हैं। और बड़ा सोचो, छोटी मोटी चीजों में एनर्जी वेस्ट मत करो, नया सोचो और अपने वीकनेस को इतना बौना बना दो कि स्ट्रेंथ हमारा अपना बड़ा बन जाए। जैसे आप इतना सा थिंक करें, एक गिलास पानी में नमक बहुत ज्यादा है, आपको पानी पीना है, एक मुझे नमक पानी पीना है, क्या करेंगे आप उसमें पानी और मिला दे। देखिए उस नमक को आप नहीं निकाल सकते लेकिन पानी की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, अपने स्ट्रेंथ को इतना बढ़ा दो कि आपका वीकनेस क्या हो दब जाए, नीचे बौना बन जाए और ग्रेट बनने का हम बड़ा बने। तो अब उसके लिए अपन को करना क्या है, आकाश दर्शन। आकाश दर्शन जानते हैं आप लोग, वो बाहर जाकर के धूप में आकाश को नहीं देखना, ऊपर बस ये छत को जो ऊपर तक देखो, इससे ये इतना पावरफुल चीज है। आप खुद इन चीजों को करेंगे तो एहसास करेंगे कि क्या पा रहे हैं। आकाश दर्शन 5 मिनट 10 मिनट जितना कर सकते हैं, बहुत पावरफुल चीज है ये, आपके भीतर इतने कूल और काम होते जाएंगे आप। और सर्वेंद्रीय गोपन मुद्रा, देखिए कान से सुनना नहीं, आंख से देखना नहीं, नाक से सांस नहीं लेना, मुंह से बोलना नहीं। तो कैसे करेंगे आप, दोनों अंगूठे को कान में पूरा पैक, आंखों को उंगलियों से हल्का सा करेंगे और नाक को पूरा बंद सांस नहीं लेना है, मुंह को बंद। ये आप सर्वेंद्रीय गोपन मुद्रा पांचों इंद्रियों का जितना गोपन करेंगे, सुना होगा आप लोगों ने गौतम स्वामी के पास लब्धियां कितनी थी पता है किसी को भी 28 लब्धियां, एक लब्धि है संभिन्न स्रोतोपलब्धि। देखिए संभिन्न स्रोतोपलब्धि सिर्फ आंख से नहीं, आप किसी से भी देख सकते हैं, ये सिर्फ अपने सिर्फ जो इंद्रिय है ठीक है बाहर की, बिना इंद्रियों के भी आप सब चीज कर सकते हैं। तो ये सर्वेंद्रीय गोपन मुद्रा हमारे भीतर के पावर को इतना बढ़ा देगा जो आप बोलते ना कुंडलिनी जागृत हो जाए। तो ये कुंडलिनी जागृत का एक अच्छा साधन है हमारा सर्वेंद्रीय गोपन मुद्रा। और ये नासाग्र दर्शन, नाक को देखे भगवान महावीर घंटों घंटों नाक को देखते थे, और कहते हैं आचार्य महावीर जी ने कहा था एक बार, कोई व्यक्ति 1.5 से 2 घंटा डिग्री का नासाग्र दर्शन करता है इतना पावर आ जाएगा, उस व्यक्ति के ऊपर से ट्रक भी निकल जाए ना उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगड़ेगा, किसका बिगड़ेगा, ट्रक वाले ट्रक का भले निकल जाए। 1 महीना तक प्रयोग करके देख सकते हैं आपका कुछ नहीं बिगड़े। तो ये नासाग्र दर्शन ये बहुत अच्छी साधना है। और निर्विचार ध्यान, बिल्कुल कोई विचार नहीं, विकल्प एकदम थॉटलेस इतना हो। और जिसे अपन बोलते हैं ना क्षपक श्रेणी और उषम श्रेणी, नाम सुना आप लोगों ने, 8वीं गुण स्थान में व्यक्ति 2 श्रेणी चढ़ता है, तो जो उषम श्रेणी लेता है वो 11वीं से नीचे आ जाता है और क्षपक श्रेणी वाला आगे बढ़ जाता है। तो जितना निर्विचार ध्यान करेंगे उतना व्यक्ति क्षपक श्रेणी वाला। तो निर्विचार ध्यान भले आप 2 मिनट आधा मिनट करो लेकिन प्रयास करना चाहिए। और मस्तिष्क को हम ट्रेन करें, लोग बोलते हैं मन भागता है, माला फेरते हैं मन भाग रहा है,
सोचा, ऐसा कोई व्यक्ति है जो बकरी को ट्रेंड कर ट्रेंड कर दे। बकरी का स्वभाव जानते हैं क्या स्वभाव होता है? इतने कितना ही उसका पेट भरा हो, भोजन उसके सामने है ना, मुंह मारे की मारे लगाई नहीं लगाई। तो पूछा भी ऐसा कोई व्यक्ति है, व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने कहा मुझे 15 दिन का अवसर दिया जाए। 15 दिन बाद बकरी को लेके आया, अच्छी अच्छी गहरी घास सब बढ़िया बढ़िया चीज सब चीज रखा हुआ है। अब किसी ने भी वो मुंह नहीं लगा लिया। राजा ने कहा ऐसे कैसे हुआ? उसने कहा राजा ने लगाई नहीं भी नहीं। अरे रीजन क्या है? उसने कहा ये हंटर देख रहे हो, 15 दिन से मैं इसके साथ घूम रहा हूँ, जब भी किसी चीज में मुंह लगा दे तो क्या करता हूँ? अब इसको ये पता है मुंह लगाने का मतलब हंटर बनना। हम भी क्या करें, हंटर लेके घूमते रहे, मन इधर उधर भागे। तो आज देखिए बकरी के स्वभाव को भी बदला जा सकता है। मन को हम इतना प्रशिक्षित कर दे मजार में वो इधर उधर भागे। बस तुम्हारा ये डायरेक्शन नहीं, ये गंतव्य नहीं है, ये मंजिल नहीं। तो उसके लिए हमारे पास इतना पावर होना चाहिए। अब तीसरा हमारा फॉर्मूला है अपने आप को जानने का, इमोशंस। तो इमोशंस को हम जाने, हमारा जो इमोशंस है, तो इमोशंस को जानने का है, ये जो हमारे इमोशंस है इसका क्रिएटर कौन है? लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस। व्यक्ति सोचता कहाँ से है? ये हमारा हाइपोथैलेमस का पर्सन है। देखिए सोच कहाँ पैदा होती है? ये यहाँ से। तो आप इसका ध्यान कर सकते हो, जिनको भी लगता है कि हमको गुस्सा वस्सा आता है या कुछ नेगेटिव आते हैं, बस ये जो पोर्शन हमारा ललाट का ऊपर का जो भाग है, यहाँ पर आप अर्ध चंद्रमा, तो अर्ध चंद्रमा के ध्यान के लिए 2-4 बार क्या करो, आप दूध के चांद को देखो और उसका आप 10 बार भी आप देख लीजिए, मान के चले किसी चीज को बार बार देखेंगे ना वो पिक्चर अपने सामने आ जाता है। उसके बाद फिर आप यहाँ ध्यान करो, 10 मिनट भी कोई यहाँ ध्यान करते हैं आप इतना कूल हो जाएंगे। कोई हंटर ला करके बंदूक ला करके भी खड़ा हो जाए तो आप क्या होंगे? शांत हो जाएंगे। तो एकदम शांत कूल और काम बन जाएंगे। तो ये हमारा इमोशंस क्रिएटर है, ये हाइपोथैलेमस। तो अब उसके लिए देखिए हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए हम 7C को ध्यान दें, कूल और काम करें, प्रयास करें एनी टाइम कूल और। और जैसे जैसे देखिए लाइफ में फ्लाइट में व्यक्ति ऊपर चढ़ता है, जितना जितना ऊपर जाता है तो क्या होता है? ठंडक होती है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो 2 बातें होती हैं, क्या क्या होती है? फ्लाइट में ऊपर जाने से 2 बातें होती हैं, क्या क्या होती है? और नीचे की वस्तु सूक्ष्म होती दिखी जाएगी, ठीक है, और ठंडक बढ़ती जाएगी। तो हम भी लाइफ में उम्र से जैसे जैसे बढ़ रहे तो ये पुतकल हमको क्या हो, छोटे दिखना, एक इतना हाइट पे चल जाएंगे दिखना ही बंद हो जाए और इतना कूल और काम हो जाए मजाक है कि कभी गुस्सा भी आता है। वितरकता की स्थिति हमारी बढ़ती चले जाए, किसी प्रकार का हमारे भीतर कोई कंफ्यूजन न रहे, विजन एकदम कैसा हो बिल्कुल क्लियर बन जाए, अंडरस्टैंडिंग हमारा क्लियर हो जाए, कॉन्फिडेंस पावर हमारा इमोशंस पर ध्यान देंगे तो ये सारी हमारी कॉन्फिडेंस पावर बढ़ेगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी और कैपेसिटी स्ट्रेंथ ऑटोमेटिक आपकी बढ़ती चली जाएगी। और अंतिम है हमारा सोल। तो सोल के लिए आपको क्या करना है, देखिए सोल का बहुत सुंदर कहा है, जीवन में आज का, स्त्री में राज का, सूर्य में साज का, सृष्टि में आकाश का, शरीर दोस्ती में विश्वास का और शरीर में, जैसे इन सब में जो महत्व है वैसे ही शरीर में किसका महत्व है? आत्मा। हमेशा सोचे शरीर किसके लिए है। देखिए भगवान ने कितनी बड़ी बात कही, चरे पयायिन परिसंक मानो जंकिंचि पासम इमन्न मानो लाभन तरे जीव भूहिता।
जान रहा है कहीं नहीं जान रहा है। बात आपको बता दूं, देखिए ताराचंद जी स्वामी अभी 89 ईयर्स के हैं और महाप्रेमी जी के फ्रेंड रहे हैं, मतलब बराबर रहे हैं। काफी समय से 10 या 15 सालों से उनका मौन साधना चल रहा है और 5 साल से काष्ठ मौन चल रहा है। काष्ठ मौन समझते हैं आप लोग, कोई इशारा भी नहीं, बिल्कुल इशारा भी नहीं। और इस बीच उन्होंने क्या किया, पहले एकांतर तप किया एक दिन अल्टरनेट, फिर उसके बाद उन्होंने बेले बेले का तप किया, बेला पाड़ना बेला पाड़ना। उसके बाद स्टार्ट किया तेला पाड़ना, तेला एक दिन पाड़ना, फिर तेला एक दिन पाड़ना। और जब से तेला शुरू किया उन्होंने एक संकल्प किया कि पहले मंथ वो पाड़ना में 5 द्रव्य लिए, दूसरे मंथ वो 4 द्रव्य लिए, तीसरे मंथ 3 द्रव्य लिए, चौथे मंथ 2 द्रव्य, और अभी वो 22 मार्च से वो एक द्रव्य भी आ गया, 22 मार्च से, ठीक है। और वो भी क्या है, जैसे अब अपना शारीरिक सेवा किसी से कुछ नहीं लेते हैं, अपना मौन साधना, मान लो जो पाड़ना करते हैं साथ वाले संत जो गोचरी कराने के लिए आते हैं, आप उठा के साथ वाले को भी नहीं देखते, उनको ना करना होता है इशारे नहीं करते, पात्र को साइन कर देंगे, एकदम काष्ठ मौन जिनको कहते हैं, ऐसी साधना चल रही है। और अब तक 7 अप्रैल तक उनका क्या चल रहा था, कोई लोग आते थे तो साथ वाले संत बता देते थे अमूलचंद जी आए हैं, अमूलचंद जी आए हैं, या किसी का समाचार सुना देते थे। अभी 22 मार्च को उन्होंने पानी के द्रव्य पे आ गए और 7 अप्रैल को उन्होंने संधारा शब्द नहीं बोला था, पानी उनका चल रहा था। अभी 7 अप्रैल को उन्होंने संधारे का पचपान किया है और साथ में क्या क्या रूल रखा है, कोई संत उनके पास भी नहीं आएगा थोड़े में, कोई ये नहीं बोलेंगे कि कोई आके, लोग आके दर्शन करना चाहते हैं करो, बाहर से करो, चले जाओ, कमरे के अंदर एंटर नहीं। और इतने सारे वो अपने लिए रूल बना करके, यानी ऐसा लगता है कि भाई शरीर का, और उनको देखो कि आश्चर्य करोगे, सोते नहीं है, ऐसे नहीं कि बिस्तर पे, भले चंगे बिलीव नहीं करेंगे कि इतने भले चंगे वो संधारा कैसे पचेंगे, यानी शरीर का जो सही रूप से जो कष्ट निकालना बोलते ना उस रूप में। तो ये सुन के मैं इसलिए भी बता रही हूँ कि आपका भी एक एम बन जाए, इतने साल के बाद उनको क्या करना है, इस शरीर का सही उपयोग करना है। और उसके लिए क्या करो, देखिए सबसे पहले उस समय अच्छा लाइफ पार्टनर रखना चाहिए, तो लाइफ पार्टनर को अपने इतने अनुकूल बना लो कि सहयोग दे सके। तो और कम से कम इस उम्र में 60-70 के बाद लाइफ पार्टनर का अच्छा होना जरूरी है, तो उससे अच्छे की अपेक्षा मत रखो, उसको अपना मत बनाओ, आप सामने वाले के बन जाओ। तो अपना नेचर हम बदलते जाए। तो अब आत्मा के लिए देखिए 4 बातों का ध्यान दें और एक बस लास्ट है अपना, ज्ञाता दृष्टा भाव का विकास करें, सब चीज जानो, देखो वो समस्या क्या है, घटना को हम सिर्फ देखते नहीं जानते नहीं, उसको हम भोगते, तो हम सिर्फ जाने और देखें। दूसरी बात, हमारे भावों को हम कितना शुद्ध कर सकते हैं, उसके लिए जितना राग और द्वेष से हम बच सकते हैं। और सबसे बड़ी जो बात, सबसे बड़ा बाधक तत्व है कसाय को से हम जितना अपने आप को बचा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम अपने ओरा को देखें, उसको उपयोग बनाए, जो जिससे आप समझते हैं, आप मंत्र को समझते हैं, वो समझ सकते हैं। तो हम अपने ओरा को जितना हम उपयोग करते चले जाएंगे तो ऑटोमेटिक जो हम चाहते हैं अपने आप को जानना, अपने आप को पाना, तो उस तक आप लोग पहुंच सकते हैं। तो वही बात, देखिए हम माइक्रो से मिक्रो की यात्रा करें, अपने आप को विचारों का फिल्टर करें और अपने आप को हम जितना सही कर सकते हैं। तो जो हम सोच रहे थे नो योर सेल्फ, वो क्या बन गया हमारा, वो अभी आप अपने आप को पा चुके, ठीक है।
प्रश्न है। बात समझिए, अपन चार चीजों की चर्चा किए, शरीर के लिए मन, तीसरा इमोशन और चौथा सोल, और कैसे उनको साधना है। तो जो भी नोट किए सारे याद रख जाएगा बाकी तो मुझे लगता नहीं है कि याद रखेंगे। और एक बात अगर कहूँ, जैसे दही यदि कभी आपको मुझे बुलाना क्या होगा, दही इतना है, मक्खन कितना निकलता है, थोड़ा सा हम आपको दही देते हैं, ठीक है, उसमें आपको मक्खन निकाल के ले जाना, खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। बोलते ना जैसे भगवान के पास जाओ, गुरु के पास जाओ तो खाली मत जाओ। तो मैं भी आपको यही कहना चाहूंगी, एक घंटा बैठते हैं, डेढ़ घंटा, दो घंटा बैठते हैं, एक बात भी लेके जाओ कि आज से मुझे अमुक चीज करना है, और उसकी शुरुआत कब से करें, शाम से। 48 घंटे किसी भी चीज को आपने सोच लिया मुझे ये करना है और 48 घंटे तक नहीं किया, वो लाइफ में आने वाला, जो 48 घंटा नहीं आया वो कभी नहीं आएगा। और दूसरी बात, जो भी विकल्प आया कि मैं सामायिक करूं, देखिए यदि विकल्प आया सामायिक करूं, 5 सेकंड के भीतर फटाफट कर लो, 5 सेकंड बाद क्या होने वाला है, आपकी मन के भाव बदलने वाले। जो भी करो, उठते हैं उठने के साथ मन में आ जाता है कि उठो, कितनी देर में उठ जाओ, 5 सेकंड के भीतर उठ जाओ, नहीं तो लगेगा 10 मिनट और सो जाओ, फिर तो सोते ही रहते सब होता है, ठीक है। तो मेरा इतना ही कहना चाहूंगी, एक भी बात लेके जाओ, लेकिन लेके जाओ, आना इतना जो 4 घंटा लगाते हैं वो वेस्ट नहीं होना चाहिए, साथ ओम आराम का जाप करने सब सीधे रहते हैं। कैसे मारे अच्छा प्रश्न अच्छा अंदर मारने का मतलब यही कि प्रशिक्षित करना, ठीक है। अब अपन मन को ये देखो आप कि मन सीधे तरीके से मानने, वो बोलते ना लातों के बहुत बातों से नहीं मानते। आप ट्राई करके देखो, जैसे बच्चा बच्चा जब रोता है माँ क्या करती है, उसको चुप कराने का प्रयास करती है, नहीं भी सो रहा है उसको मिला हिला के सुलाती, ठीक है। तो मन को हम फालतू ना बनाए फालतू बनाए, मन को फालतू ना बनाए फालतू बनाए। जैसे फालतू पशु पक्षी को आप कहीं भी भेज दो, क्या होगा वो किसी एक व्यक्ति से अपने उसके मित्र ने पूछा अमुक जगह जो प्रोग्राम है फंक्शन है फ्रेंड का क्या देने वाला, उसने कहा दो कबूतर देने वाला, बोले कितने कबूतर पाल के रखे हो, जहाँ भी जाते हो तुम कबूतर दे रहे हो, पाला तो दो ही हो, दे देता हूँ कि उड़ के वापस आ जाए, कहीं भी मन भाग जाए, इतना पाल के बना के रखो, क्या हो अपने आप आ जाए। देखिए जाना मन भाग रहा है वो बड़ी बात है, आना बड़ी बात है। तो उसको हम ट्रेंड करें, प्रशिक्षित करें, प्रशिक्षण का साधन क्या हो, जैसे आपको पता नहीं कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, आपको मन में आया उटपटांग खाऊं, तुरंत सोचो अरे इससे क्या होगा, स्टमक खराब होगा, दिमाग खराब होगा, सारा बेकार ही बेकार, आज मुझे नहीं खाने का,
आप क्या करते हो उस समय? डाइवर्ट करते हैं। देखिए मन को डाइवर्ट करते हैं, उसको दूसरी चीज दिखाएंगे। ठीक है, तो हम मन को डाइवर्ट करना सीखे। पानी का स्वभाव है नीचे जाना, लेकिन क्या किया जाता है, कितने ऊपर तक पानी को चढ़ाते हैं, किससे? पाइप का उपयोग करते हैं। ठीक है, हम भी ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करें जैसे आप टाइम टू टाइम स्वास्थ्य करना, ध्यान करना, जिसमें आपको हॉबी श्वास लंबा लेके देखो भाई, मुझे एक घंटे बाद जल्दी श्वास 2 मिनट करना है, मुझे एक घंटे बाद 5 मिनट, हर घंटा जैसी घड़ी में 12 बजे बस तुरंत क्या करो आप, भले एक बार लगा लो उनको, उस समय आप 1 मिनट के अंतर्मुखी बन जाएंगे। हर घंटे बाद भले मैं एक बार बोलूंगा, लेकिन नौकार मंत्र का उपयोग करूंगा, इष्ट का नाम लूंगा, जो भी इतना अपना स्केड्यूल को इतना व्यवस्थित बना लो तो मन क्या होगा, उसी में वर्क करेगा। लेकिन मन को हम वर्क दे नहीं रहे तो बेचारा क्या करे, उसके पास एनर्जी है, उससे रह नहीं सकता है, तो क्या कर रहा है वो, भाग रहा है। भागने के लिए समय ही क्यों हो। ठीक है, चलिए मंगल एक सूचना देंगे, मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम।